हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट व्यू बाय समीर। आज मैं आया हूं आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ जो कि इंस्टेंट गीज़र को लेकर है। इसके कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसलिए इसमें कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं जिसके जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं मेरे वीडियो में। जो भी आपके कमेंट रहते हैं मैं उसके बारे में जवाब भी दे दूंगा कि किस किस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइएगा। अब बात आते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है, एक कस्टमर का कमेंट आते हैं मेरे पास में कि ये गर्म पानी नहीं दे रहा है, नया गीज़र ख़रीद के लाए थे और वो गर्म पानी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले कि ये एक इंस्टेंट गीज़र है इसलिए इसमें ये देखना पड़ता है कि ये चलते हुए पानी को गर्म कर रहा है, ना कि ये स्टोरेज गीज़र है। इन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। स्टोरेज गीज़र में क्या होता है कि वो पहले से पानी गर्म कर लेता है, उसके बाद में आपको जितना स्पीड से पानी चाहिए, ये जितनी भी आप स्पीड खोलोगे उतनी स्पीड से पानी दे देगा, क्योंकि आपको भी पता है कि उसने पहले से गर्म करके रखा हुआ है पानी को। इसलिए आप टोटी जो आपका नल है वो कितनी भी तेज़ खोलो वो गर्म पानी निकालेगा। तो अब इसकी बात करें तो ये इंस्टेंट गीज़र होता है। इंस्टेंट गीज़र मतलब होता है कि इसमें स्टोरेज मात्र 800 ml का स्टोरेज होता है, पर ये रनिंग वाटर को गर्म कर रहा है। तो होता क्या है कि कस्टमर लेके आया गीज़र और उसमें क्या करता है कि भाई चलो भाई अब गर्म पानी चाहिए आपको, तो उसमें करता क्या है वो कि नल को लगाता है जिस तरह से मैंने लगा दिया है और इसको चालू कर लेता है, ठीक है, स्पीड से। अब स्पीड से चालू करने के बाद में इसको ये लगा देता है प्लग। अब जब गीज़र चालू हो जाता है तो अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब उसने जब स्पीड से चालू किया पानी को, जैसे कि मैंने किया, देखिए आप ये अब स्पीड से चालू कर दिया उसने। अब होगा क्या कि आपने स्पीड से जब पानी चालू किया तो स्पीड से जा रहा है इसमें और स्पीड से ही बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है उसको गर्म करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने इसको कुछ होल्ड करके तो रखा नहीं है। और आप गर्म करके पानी जब लेना चाह रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम तो दो क्योंकि वो गर्म कर सके पानी को। आपने क्या किया, ये स्पीड इसको खोल दिया स्पीड, अब वो स्पीड से जा रहा है, स्पीड से आ रहा है, गर्म करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो बिल्कुल मामूली सा ही मतलब नाम मात्र की जगह गर्म करेगा और आपको लगेगा कि ये गीज़र ख़राब है, गर्म नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूँ इसके चलाने का तरीका, ये किस तरह से यूज़ करोगे आप जब आपको गर्म पानी मिल पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कनेक्शन करना है और नल सबसे पहले खोलना होता है इस गीज़र के साथ में चलाने के लिए। जब आप नल खोलोगे तो सबसे पहले नल को आप इतनी स्पीड में रखिए, ये जो स्पीड है ना इस स्पीड में रखिएगा नल को, और ये जो प्रेशर आ रहा है ना पानी का इस स्पीड से प्रेशर रखिएगा और उसके बाद में गीज़र को ऑन कर दीजिएगा जैसा कि मैंने कर दिया है। जब ऑन करने के बाद में इस स्पीड में आप कम से कम नहीं तो 45 से 50 सेकेंड रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मात्र 45 से 50 सेकेंड इस फ्लो में रखिएगा और इसमें हाथ लगाइएगा तो आपको फील हो जाएगा कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। जब ये इतना पानी गर्म हो जाए कि आप हाथ नहीं लगा पाओ, जैसे कि ये अब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है मैं हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ, तो अब आपको क्या करना है कि हल्का सा इसको तेज कर लेना है, हल्का सा ही तेज करना है। ज़्यादा तेज़ करोगे, अगर फुल टोंटी खोल दोगे तो पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा तेज़ करना होता है जिससे कि पानी ना ज़्यादा गर्म रहे ना ज़्यादा ठंडा रहे, ऑलरेडी मिक्स होके आएगा। सिर्फ और सिर्फ कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इंस्टेंट गीज़र जो होते हैं चलते हुए पानी को गर्म करते हैं, तो इसलिए इसमें नल का फ्लो आपको थोड़ा कम ही रखना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो आप एक मिनट तक तो बहुत मामूली रखें, जब पानी आप टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हल्का सा तेज़ कर लीजिए आप इसको, तो वो मिक्स होके आएगा पानी, फिर ये कंटिन्यू इसी रफ्तार में देता रहेगा आपको पानी गर्म, ठंडा ठंडा गर्म जो पानी रहेगा, आपको ठंडा पानी मिलाने जरूरत नहीं रहेगी, ऑलरेडी मिक्स होके देगा। अब इसमें आप जितना इसको कम खोलोगे, टैप को जितना आप कम खोलोगे उतना तेज़ गर्म देगा, जितना फास्ट करोगे उतना वो नॉर्मल होता चला जाएगा, इसलिए टैप को कम खोलिए, आपको गर्म पानी देगा ही देगा, ये इंस्टेंट गीज़र होता है। इस तरह से यूज़ करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा आपके गीज़र का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।